वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं बच्चों फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास पीसेस के क्लास कॉन्डिक्थिस के विषय में कुछ बेसिक अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस प्रकार से कॉटलेजिनस पीसेस बोनी पीसेस से डिफर हैं, अर्थात किस प्रकार से कॉन्डिक्थिस ऑस्टिक्थिस से डिफर हैं। उसमें बच्चों हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो बोनी फिशेज जो कॉटलेजनस फिशेज होती हैं उनमें स्केल जो होता है वो कैसा स्केल होता है बच्चों, उनमें प्लैक्वाइड स्केल पाया जाता है, जबकि बोनी फिशेज में साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल पाया जाता है। दूसरा अंतर बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जो कॉटलेजनस फिशेज होती हैं उनमें जो माउथ की ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है बच्चों, वेंट्रल पोर्शन पर होती है, अर्थात नीचे की ओर वेंट्रल साइड में होती है, जबकि जो बोनी फिशेज होती हैं उनमें माउथ की ओपनिंग एकदम टर्मिनल एंड पर होती है, आगे की ओर होती है। तीसरा अंतर बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो बोनी फिशेज होते हैं उनका जो फिन्स होता है वो कैसा होता है, उनमें होमो सर्कल टेल पाया जाता है, जो कॉडल फिन्स होता है उनमें, अर्थात जो फिन्स में जो लोब होता है दो लोब बनता है, दोनों लोब एक दूसरे के बराबर मतलब सिमेट्रिकल पोजीशन में होते हैं, अर्थात एक दूसरे का आइडेंटिकल इमेज बना सकते हैं, तो उनमें होमो सर्कल टेल पाया जाता है, जबकि कॉटलेजिनस फिशेज में हेट्रो सर्कल टेल पाया जाता है। ठीक बच्चों, अगला जो इम्पॉर्टेंट एक और अंतर है वो ये है बच्चों कि कॉटलेजिनस फिशेस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, अर्थात उनको हम ऊपर से देखकर ही मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेल में जेनाइटल ऑर्गन्स के रूप में एक क्लास्पर्स पाया जाता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉपुलेशन, लेकिन बोनी फिशेस में आप ऊपर से देखकर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, अर्थात उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाएगी। तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने कल गहन अध्ययन किया और जाना। आइए आज हम समय जाया न करते हुए इनके अगले कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जानते हैं। तो बच्चों अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जॉ आर वेरी पावरफुल। इनके जो जबड़े होते हैं बच्चों ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। कहा यह जाता है इनके जबड़े इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर इनके आसपास से कोई इनका प्रे गुजरता है, छोटी मछलियां, यहां तक कि ह्यूमन बींग्स भी अगर इनके आमने सामने से गुजरता है तो ये क्या करते हैं, बहुत स्ट्रांगली अपने जबड़ों में दबा लेते हैं। और इनमें बच्चों इनके जबड़ों में वेल डेवलप्ड टीथ पाया जाता है और जबड़ों में दबा लेते हैं और ये दांत से क्या करते हैं, चुभो देते हैं, जिससे कोई भी प्रे जा नहीं सकता, अर्थात ये बहुत पावरफुल इनमें जबड़े पाए जाते हैं। तो जॉ आर वेरी पावरफुल, अर्थात इनके जबड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल्स विच आर बैकवर्ड डायरेक्टेड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके जो दांत होते हैं बच्चों वो प्लैक्वाइड स्केल के मॉडिफाइड रूप होते हैं, अर्थात प्लैक्वाइड स्केल के रूपांतरित रूप होते हैं और ये क्या होते हैं, पीछे के साइड में मुड़े होते हैं बच्चों। इनके दांत जो होते हैं ये मल्टीपल रो में लगे होते हैं और इनके दांत जो होते हैं कैसे होते हैं, पीछे की ओर, अर्थात नुकीले नुकीले पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक बच्चों, इनमें टीथ वेल डेवलप्ड होता है। द एलिमेंट्री कैनाल ओपन इन टू द क्लोएका, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों वो कहाँ खुलता है, क्लोएका में खुलता है। अर्थात बच्चों एक अंतर ये भी है कॉटलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज में कि कॉटलेजिनस फिशेज में क्लोएका पाया जाता है, अर्थात क्लोएका क्या होता है कि जहाँ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल दोनों एक ही जगह पर खुलते हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, क्लोएका। तो ये क्लोएका कॉटलेजिनस फिशेज पाए जाते हैं, जबकि बोनी फिशेज में एनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, एनस। ये दोनों में अंतर है। तो एलिमेंट्री कैनाल ओपन इन टू द क्लोएका, अर्थात इनमें एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका में खुलता है। इंटेस्टाइन इज शॉर्ट, अर्थात बच्चों क्या होता है, व्हाट एवर द इंटेस्टाइन इज शॉर्ट बट हैज अ स्क्रॉल वॉल टू इंक्रीज द अब्सॉर्प्टिव सरफेस। इनमें बच्चों इंटेस्टाइन जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल का इंटेस्टाइन भाग जो होता है बहुत छोटा होता है, फिर भी छोटा होते हुए क्या होता है, उसमें स्क्रॉल वॉल पाया जाता है विच इंक्रीज द अब्सॉर्प्टिव सरफेस, जो अब्सॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाता है। देखिए बच्चों ये फिगर में दिखाया गया है, ये स्क्रॉल वॉल्व है, अर्थात ये कईयों कपाट बहुत सारे कपाट में डिवाइड होता है और ये कपाट जो बना हुआ है बच्चों ये क्या करता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाता है, अर्थात ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देगा, जिसके वजह से ज़्यादा भोजन का पाचन यहाँ हो पाता है। ठीक बच्चों, तो यही कह रहा है कि व्हाट एवर द इंटेस्टाइन इज स्मॉल और शॉर्ट बट हैज अ स्क्रॉल वॉल टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, अर्थात इनका इंटेस्टाइन छोटा होता है फिर भी इनमें क्या पाया जाता है, स्क्रॉल वॉल पाया जाता है जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमार्क कर लीजिए, बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक बच्चों, तो इसको आप रिमार्क करिए और नोट करिए। अगला कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स 5 to 7 पेयर्स ऑफ द प्लेट लाइट लैमली फॉर्म गिल्स,
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें जो गिल्स होता है बच्चों, जैसे कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज जैसे ये छोटे छोटे पतली 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 धागे जैसी इनकी ओपनिंग होती है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, गिल्सलिट्स कहते हैं। तो ये गिल्सलिट्स जो होते हैं एक अरेंजमेंट में लग जाते हैं, एक ऐसा ये अपना व्यवस्था बनाते हैं, एक प्रकार का ऐसा अरेंजमेंट बना लेते हैं, और इस पूरे अरेंजमेंट को अर्थात सभी जो 5 से 7 पेयर्स स्लाइड्स होती है बच्चों, ये आपस में जुड़कर लैमली फॉर्म गिल्स बनाती हैं। अर्थात ये फिगर में दिख रहा है बच्चों, ये लैमली फॉर्म गिल्स है, देखिए आप, ये लैमली फॉर्म गिल्स हैं, अर्थात ये 5 to 7 पेयर्स ऑफ द गिल्सलेट्स आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, लैमली फॉर्म गिल्स बनाती हैं। इन द गिल्स ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। बच्चों ये होता क्या है कि जो फिशेस होती हैं ये ऑक्सीजन को डिजॉल्व अवस्था में लेती हैं, अर्थात पानी में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन को लेते हैं, अर्थात कुल मिला के जो इनका ब्लड होता है वो डिजॉल्व कंडीशन में ऑक्सीजन को लेकर कहाँ तक छोड़ता है, गिल्स में। और गिल्स में जो बच्चों इनका हार्ट के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हार्ट से कहाँ आता है बच्चों, गिल्स में, किसके द्वारा आता है बच्चों, कोनस आर्टेरियोसस के द्वारा, अर्थात जो कोनस आर्टेरियोसस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है, गिल्स में छोड़ता है। तो गिल्स में क्या होता है कि जो ब्लड घुलित अवस्था में ऑक्सीजन को गिल्स तक ले जाता है, वहां गिल्स ऑक्सीजन को क्या करता है, एरेटेड करता है, अर्थात ऑक्सीजनेट करता है। ऑक्सीजनेट करने के बाद पूरे बॉडी में फिर क्या कर दिया जाता है, गिल्स से ही सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये फिगर बच्चों हम आपको बता दें एक बार फिर से, ये देखिए फिगर में, ये देखिए, ये बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना होता है कोनस साइनस वेनोसस के द्वारा कहाँ चला जाता है, आर्किल में, और आर्किल से फिर चला जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर कोनस आर्टेरियोसस से होते हुए ये गिल्स में चला जाता है। अर्थात डीऑक्सीजनेटेड जब गिल्स में चला आता है तो यही गिल्स क्या करता है, ब्लड के द्वारा डिजॉल्व कंडीशन में लाया हुआ ऑक्सीजन इसी गिल्स में आता है, और गिल्स क्या करता है, जिस प्रकार से हम लोगों के लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है ब्लड के साथ, और हम लोगों का ब्लड क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजनेट होता है, और फिर हार्ट में आता है, हार्ट से पंप किया जाता है टिश्यू, हमारे सेल्स में, टिश्यूज में, बॉडीज में, ऐसे इसमें क्या होता है कि बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आता है, वो गिल्स के पास आता है, और गिल्स क्या होता है, डिजॉल्व कंडीशन में ब्लड द्वारा लाया हुआ जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन के द्वारा गिल्स क्या करता है, अर्थात इसे एरेटेड कर देता है, और फिर यहाँ से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। ठीक बच्चों, तो ब्लड कैसा किस प्रकार के ऑक्सीजन को ले आ पाता है, ब्लड फिशेस में ब्लड जो बच्चों वो ऑक्सीजनेट डिजॉल्व कंडीशन में ऑक्सीजन को ले आ पाता है, अर्थात यही इसीलिए कहा गया है कि देयर फोर अ फिश कैन नॉट सर्वाइव आउट ऑफ वाटर। इसीलिए फिश को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती, क्यों, क्योंकि फिश में लंग्स नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये ड्राई स्टेट में, ड्राई फॉर्म में, शुष्क अवस्था में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इनमें लंग्स का अभाव होता है, ये केवल जल में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन को ही ब्लड के माध्यम से गिल्स तक लाया जा सकता है। ठीक बच्चों, ये घुलित अवस्था में ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं, डिजॉल्व कंडीशन में ऑक्सीजन को ले पाते हैं। ठीक बच्चों, तो इन द गिल्स ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, अर्थात गिल्स में ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को वाटर से घुलित अवस्था में लेता है। देयरफोर अ फिश कैन नॉट सर्वाइव आउट ऑफ वाटर, इसीलिए मछली अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ठीक बच्चों, ये देखिए बच्चों फिगर हमने दिखाया था कि इनका जो माउथ की ओपनिंग होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, ये आपको लैमली फॉर्म गिल्स दिखाया गया, जो ये क्या होते हैं, सभी गिल्सलिट्स आपस में एक अरेंजमेंट बना लेती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लैमली फॉर्म गिल्स कहती हैं, ये सॉर्कफिश में पाया जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात जितने कॉटलेजनस स्पीशीज हैं, गिल्सलिट्स आर सेपरेट, अर्थात इनमें जो गिल्सलिट्स होती हैं बच्चों वो सब सेपरेट होते हैं, मोस्टली विदाउट अपरकुलम और गिल कवर, अर्थात इनमें जो गिल्सलिट्स होती हैं वो बिल्कुल नेकेड होती हैं, खुली हुई होती हैं, उनमें किसी प्रकार का गिल कवर या अपरकुलम नहीं पाया जाता। बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट अंतर है, डिफरेंसेस है बोनी फिशेस एंड कॉटलेजनस फिशेस में, कि बोनी फिशेस में बच्चों अपरकुलम पाया जाता है, अर्थात गिल्सलिट्स को ढकने के लिए क्या पाया जाता है, अपरकुलम पाया जाता है, एक प्रकार का ढक्कन पाया जाता है, जबकि कॉटलेजनस फिशेस में अपरकुलम का अभाव होता है। द एयर ब्लैडर आर स्विम ब्लैडर अब्सेंट, कॉटलेजनस फिशेस में क्या होता है बच्चों, एयर ब्लैडर का अभाव होता है, जिसे हम स्विम ब्लैडर भी कहते हैं, ये नहीं पाया जाता है, विच रेगुलेट बॉयंसी, और ये एयर ब्लैडर क्या करता है बच्चों, बॉयंसी को रेगुलेट करता है, कुल मिला के तैरने में मदद करता है। ठीक, तो इनमें क्या होता है, एयर ब्लैडर का अभाव होता है। बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑयल स्टोर्ड इन द ह्यूज साइज लीवर टू प्रोवाइड सम बॉयंसी,
अर्थात इनमें एयर ब्लैडर का तो अभाव होता है, लेकिन इनके लीवर में बच्चों क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में ऑयल स्टोर्ड होता है, और ये ऑयल क्या होता है कि इनको कुछ बॉयंसी प्रदान करता है। बच्चों कहा यह जाता है कि जो बोनी फिशेज होते हैं उनमें एयर ब्लैडर इतना एक्टिव होता है, जब इनको सोना होता है बच्चों तो ये अपने फिन्स को चलाना बंद कर देते हैं, अर्थात फिन्स को रोक देते हैं और एक जगह टर्निंग लेकर अर्थात डायरेक्ट एक रिवर्स डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं ये आराम से बिना फिन चलाए आराम से सो जाते हैं, अर्थात वाटर सरफेस पर भी ये क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। कौन? बोनी फिशेज। जबकि कॉटलेजनेस फिशेज में क्या होता है आगे देखेंगे आप, बट स्टिल दीज फिशेज स्विम कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग इन वाटर। कह रहे हैं बच्चों कि इनमें जो होता है बॉयंसी प्रदान करने के लिए एयर ब्लैडर तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें अधिक मात्रा में इनके लीवर में क्या जमा होता है, ऑयल्स जमा होता है जो इनको कुछ बॉयंसी प्रदान करता है। फिर भी कॉटलेजनस फिशेज को पानी में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है, ठीक बच्चों, अर्थात बोनी फिशेज अगर नहीं तैरेंगे तो भी वो आराम से टिक सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है जो उनको बॉयंसी प्रदान करता है, जबकि इनमें ऑयल स्टोर्ड है इनके लीवर में, फिर भी वो इतना सफिशियंट नहीं है कि इनको सिंकिंग से बचा पाएगा, इसलिए कॉटलेजनस फिशेज को पानी में सिंक करने से अर्थात डूबने से बचने के लिए इनको कॉन्टिन्यूस क्या करना पड़ता है बच्चों, अपने फिन्स को चलाना पड़ता है, बार बार इनको तैरना पड़ता है, अगर ये नहीं तैरेंगे तो डूब जाएंगे, ठीक बच्चों। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, अर्थात कॉटलेजनस फिशेस क्या होता है बच्चों, दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, वन ऑर्किल एंड वन वेंट्रिकल, ठीक बच्चों, अर्थात इनमें टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, एक ऑर्किल एंड एक वेंट्रिकल, जो कि अभी मैंने फिगर बताया है, एक बार आप फिर से फिगर देखिए, ये देखिए बच्चों, इनमें ये देखिए टू चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑर्किल और एक वेंट्रिकल, और वेल डेवलप्ड इसमें साइनस वेनोसस पाया जाता है, कोनस आर्टेरियोसस पाया जाता है। तो करता क्या है बच्चों, अर्थात ये भी है, अर्थात साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस फिशेस में क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है, और इसमें टू चैम्बर्ड हार्ट में क्या पाया जाता है, एक ऑर्किल पाया जाता है, एक वेंट्रिकल पाया जाता है, अर्थात डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों जो बॉडी से होकर आता है, ये साइनस वेनोसस इसको ऑर्किल में जाता है, ऑर्किल से फिर ये वेंट्रिकल में आते हैं, वेंट्रिकल के बाद कोनस आर्टेरियोसस से होते हुए कहां चले जाते हैं, गिल्स में, और गिल्स में ये क्या होते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं, ऑक्सीजनेट हो जाने के बाद पूरे ब्लड कहां भेज दिए जाते हैं, फिर से बॉडी में भेज दिए जाते हैं, ठीक बच्चों। तो ये है इनमें क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और इसमें एक आर्किल और एक वेंट्रिकल होता है। इन हार्ट साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस आर प्रेजेंट, जो कि अभी मैंने बताया कि इनमें साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस वेल डेवलप्ड पाया जाता है। ओवल बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट, इनमें आरबीसी कैसा होता है बच्चों, ओवल होता है, अंडाकार होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, और इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। हम लोगों के आरबीसी से बच्चों न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि फिश के आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात इनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। दे हैव वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, अर्थात इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड पाया जाता है। दे हैव 10 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स, बच्चों इनमें क्रैनियल नर्व्स जो होती है, कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनमें कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द फिशेस। ऑल्फैक्टरी सैक्स आर वेंट्रल फॉर सेंस ऑफ द स्मेल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें अर्थात क्या करते हैं बच्चों, ये स्मेल के लिए, अर्थात इनमें गंध को सेंस करने के लिए इनमें ऑल्फैक्टरी सैक पाई जाती है, ठीक बच्चों, और कहाँ पाई जाती है, वेंट्रल साइड में, अर्थात इनमें वेंट्रल साइड में गंध को सेंस करने के लिए क्या पाई जाती है, ऑल्फैक्टरी सैक्स पाई जाती है। दे हैव शॉर्प विजन बट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कलर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें जो होती है दृष्टि जो होती है बहुत तेज होती है, अर्थात विजन एरिया जो होता है इनमें, विजन क्षमता जो होती है, देखने की क्षमता बहुत तेज होती है, परंतु ये कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अर्थात इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर, कलर को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं बच्चों, लेकिन विजन इनका बहुत तेज होता है, शार्प होता है। दे हैव वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन विच कैन सेंस वाटर करेंट वेव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें क्या होता है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन या लेटरल लाइन सेंस सिस्टम जो होता है बच्चों वेल डेवलप्ड होता है, अर्थात इनके लेटरल लाइन जो होता है बच्चों
मैंने फिगर में बताया था कि इनके लेटर बीचों ये एकदम लेटरल में एक लाइनिंग पाई जाती है जिसको हम लेटरल लाइन कहते हैं। तो इनके लेटरल लाइन पर सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, संवेदी अंग होते हैं, संवेदी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है सेंस कराना किसको, वाटर करंट को, जल की धारा को, वाटर वेव को और इलेक्ट्रिक फील्ड को। अर्थात इनके आसपास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसको वो एडजस्ट कर पाएंगे, और वाटर वेव और वाटर करंट को वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। किसकी वजह से बच्चों, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स की वजह से, क्योंकि इनके लेटरल लाइन पर क्या पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं जिसके वजह से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक बच्चों, दे हैव थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन ईयर एंड हैव ओनली मेंबर लैबरिंथ। अर्थात इनमें बच्चों तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाया जाता है, अर्थात इनके ईयर में तीन सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है, और इनमें अर्थात लेबरिंथ मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। दे हैव ऑपिस्टोनेफ्रिक किडनी, अर्थात इनमें ऑपिस्टोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, और इनमें एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में बच्चों क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। अर्थात ये यू क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, अर्थात इनमें जो उत्सर्जन पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर, पॉइक्लोथर्मिक और इक्टोथर्मिक, अर्थात इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, बाहरी टेम्परेचर के आधार पर क्या होता है, अर्थात इनका बॉडी टेम्परेचर अपने आप बदलता रहता है। जिस प्रकार से बाहर का टेम्परेचर होता है उसी प्रकार से इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वेरिएट करता रहता है। अर्थात इनका बॉडी टेम्परेचर साल भर कॉन्स्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर वाले होते हैं। इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉइक्लोथर्मिक एनिमल या इक्टोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, या फिर इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरिएट होता रहता है। ठीक बच्चों, दे आर ऑल प्रेडेसियस नेचर, ये सभी किस नेचर के होते हैं बच्चों, प्रेडेसियस नेचर के होते हैं, शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों इनका जो है वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, नेक्स्ट लेक्चर हम आपको अगले में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला जो इनके कैरेक्टरिस्टिक के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो से बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।